श्री मालारवण गंत्राची जहां आचार्य श्री मज्जन तारंतरण देव आत्म गुणों की माला दे रहे और सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम, यह आत्म गुणों की माला सम्यक्त में आचरण करने की है, चैतन्य स्वरूपी है। जब चैतन्य गुण माला को भवजीव सुनते हैं तो अपने आप में उनके अंतर का मिथ्यात्म मोह नष्ट होता है और ये अतिशय बिना में हुआ था। जब लोगों ने चैतन्य गुणों की माला को सुना तो घर में जितने अचेतन थे, जिनकी हिम्मत हुई, उन्होंने निकाल कर बाहर निकाला और धीरे धीरे यदि गुरुदेव के ग्रंथ यदि अपन ऐसे ही वांछन करते रहे और गुरु महाराज के ग्रंथ ऐसे ही भव्य जीवों के हृदय तक पहुंचते रहे तो अपने अंतर में जो चैतन्य गुणों का बहुमान है, चैतन्य गुणों की जो महिमा है, जब जीव के अंतर में चैतन्यता की महिमा आएगी तभी जीव जड़वाद से दूर हो सकता है। और तारंतरण देव का सबसे बड़ा अतिशय यही था, गुरु माया ने ना किसी का विरोध किया और ना किसी से किसी की निंदा करी, उन्होंने तो सीधे आत्म स्वभाव की महिमा कही और वस्तु का स्वभाव कहा, जीव को जीव का, अजीव का जीव का। जहां आचार्य श्रीमद जी तारंतरण देव ने जहां आत्मा की शुद्धात्म प्रभु की महिमा कही, चैतन्य महासत्ता की महिमा कही, वहां ऑटोमेटिकली
भव जीवों को अंतर आत्म बोधि प्राप्त हुई, और जहां जीव को आत्म बोधि प्राप्त हुई वहां उनका कल्याण का मार्ग बना। बात तो तत्व को स्वीकार करने की है। देखो देखो, अनादि काल से जीव से भूल क्या हो रही है? अनादि काल से जीव से भूल ये हो रही है कि वो चेतनता को स्वीकार ना करके जड़त्व को स्वीकार कर, जड़ भाव को स्वीकार कर, कि कस कैसे जड़ भाव को स्वीकार कर रहा है, उठना बैठना चलना फिरना ये तो जड़ है ही। लेकिन जीव का जो श्रद्धान है, जीव की जो आस्था है, वो जड़ के प्रति ही बनी हुई है। जड़ के प्रति बनी हुई ना, मतलब अरे वो परमात्मा को भी कहीं स्वीकार करना चाहता है तो वो जड़ में एक काल्पनिक अवस्था में वो यथार्थता को स्वीकार करने नहीं चाहता। जैसे अपन कहते हैं ना कि मन वचन काय की प्रवृत्ति जड़ है, या अपन कह देते ना कि आप व्यवहार मोक्ष मार्ग भी जड़ है, उपचार मोक्ष मार्ग से नियम व्रत संयम परिणामों को शुभ भाव अशुभ भाव के लिए सब अचेतन है, ये सब जड़ है। फिर सत्य क्या है, कहना शुद्ध क्या है, कहना निखालिस क्या है, कहने लगे व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तुम्हारा आचरण ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो जीव को जब ये पता लगता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ये रत्नत्रय की प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग है, जब वो जीव जड़त्व से बाहर निकलता, जड़ की वासना से बाहर निकलता, और जब जीव जड़ की वासना से बाहर निकलता है तब उसकी मान्यता टूटती है। कौन सी मान्यता टूटती है? परमे अधेव की, कुदेव की, मिथ्या देवों की मान्यता टूटती है। शरीर से मन वचन काय से होने वाले क्रियाओं का महत्व गिरता है, और ये बोध आता है कि जीवात्मा व्यवहार मोक्ष मार्ग भी तब तुम्हारा सिद्ध होगा जब तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्नत्रय की प्रीति जाग जाएगी। क्रियाओं की प्रीति नहीं, पूजा पाठ की प्रीति नहीं, नियम व्रत की प्रीति भी नहीं। नियम व्रत होते हैं, सदाचार की भूमिका आती है, ऑटोमेटिकली आती है। हमने कहा ना, जैसे ही आत्मा की रुचि लगती है सबसे पहले जीव अशुभ को छोड़कर शुभ की ओर भागता है। लेकिन शुभ की प्रीति नहीं, रुचि नहीं, भागता है, ये बात तो अलग है। लेकिन बात क्या है? बात है प्रीति की। प्रीति किसकी लगती है? कहले आत्म तत्व की प्रीति लगती है, स्वभाव की प्रीति लगती है। देखो चेतन और अचेतन का भेद अपन करें। अच्छा एक बात बताओ, हम ये बोल रहे हैं ये अचेतन है कि चेतन? जड़ ही है ना। आप सुन रहे हो, सशरीर से सुन रहे हो, कर्ण इंद्रिय से सुन रहे हो, कर्ण इंद्रिय से जो शब्द आप ग्रहण कर रहे हो वो चेतन है कि अचेतन? जड़ ही है ना। जब ये जड़ है तो जीवात्मा चेतन्यता कहाँ है? इन शब्दों से जो ज्ञान में तत्व का अनुभव हो रहा है कि हाँ मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, जो आपकी और हमारी मान्यता सम्यक्त हो रही है ना, जो आपका और हमारा निश्चय सम्यक्त हो रहा है। क्या क्या निश्चय सम्यक्त हो रहा है? कि मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूं, और ये सारा जगत का परिणाम अपनी योग्यता से स्वयं परिणमित हो रहा है। जब ये सत्य स्वीकार होता है तब जीव को आत्मा की रुचि, जब जीव को अंतर आत्मा की रुचि लगती है, और जब जीव को अंतर आत्मा की रुचि लगती है तभी उसके जीवन में बदलाव आता है। जीवन में जितना भी बदलाव है वो शुद्ध स्वभाव की रुचि जागृत होने के बाद। उसके पहले का बदलाव, उसके पहले का बदलाव जब तक आत्म तत्व का सहकार मूल में नहीं है तब तक का बदलाव बदलाव नहीं माना जाता। जैसे कि हम उदाहरण दें आपको, जैसे कि कोई जीव क्या कहते हैं घर परिवार छोड़ के और मंदिरों में रहने लगे, तो इस बदलाव को बदलाव नहीं माना जाता। क्यों बदलाव नहीं माना जाता? क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है वो उसकी क्रिया में हुआ है, ये जो बदलाव हुआ है उसकी भूमिका में हुआ है, सब पुण्य की भूमिका में, पाप की भूमिका से पुण्य की भूमिका में बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव बदलाव नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा भैया? बदलाव तो हुआ है ना, कि ना ये बदलाव पर्याय, ये बदलाव पर्याय में हुआ है और पर पर्याय में हुआ है। ये आत्मा की श्रद्धान गुण की अवस्था में बदलाव नहीं हुआ, आत्मा के ज्ञान गुण की अवस्था में बदलाव नहीं हुआ, आत्मा के चारित्र गुण की अवस्था में बदलाव नहीं, मतलब
मतलब दर्शन तो मिथ्या रूपी परिणमित हो रहा, श्रद्धान तो मिथ्या रूपी परिणमित हो रहा, ज्ञान तो मिथ्या रूपी परिणमित हो रहा, कि ना चारित्र तो मिथ्या रूपी परिणमन कर रहा। तो कहने लगे दर्शन ज्ञान और चारित्र की पर्याय में कोई बदलाव नहीं। क्यों बदलाव नहीं हुआ, क्यों बदलाव नहीं हुआ? कहने लगे अभी इस जीव को जीव में और अजीव में अर्थात जड़ में और चैतन्य में अंतर नहीं भास रहा। तो फिर क्या कर रहा है? जड़ की पूजा कर रहा है, जड़ की वंदना कर रहा है, जड़ क्रियाओं को उपचार मोक्ष मार्ग, कोई मोक्ष मार्ग मान रहा है। कहाँ कहाँ लगा हुआ है इसका पूरा उपयोग? इसका पूरा उपयोग शुभ अशुभ भाव की परिणति में लगा हुआ है। अभी आप इसे मोक्ष मार्ग मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। कुछ तो बदलाव हुआ ना। अरे जीवात्मा, जहां बदलाव होना था वहां नहीं हुआ ना। बदलाव तो हुआ है पर्याय में, वो पर्याय तो प्रति क्षण बदल रही है। मान लो अपन जैसे दौलत राम जी की वो गाथा पढ़ते हैं, क्या ग्रेवा उपजायो सम्यक ज्ञान बिना ले सुख ना पायो। जब अपन दौलत राम जी की ये बात पढ़ते हैं तो अपने को इससे क्या प्रेरणा मिलती है? कि जीवात्मा तुमने क्रियाओं को, अपने भावों को कई बार बदला है और अनंत काल से बदलते आए हो, लेकिन भगवान जी, क्या तुमने भगवान के वचनों को स्वीकार किया कि नहीं किया? भगवान की वाणी को स्वीकार किया कि नहीं किया? अर्थात तुमने शुभ आचरण को अपनाया है या फिर तुम पाप आचरण में लगे हो, तो तुम्हें ये स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? क्या स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? कि जीवात्मा देखो तो, देखो तो ये भी शुभ अशुभ भी, कहने लगे ये भी एक समय की परिणमन की धारा है। अकेले अच्छा बता भैया, ये कर्म की धारा है या हमने किया है? हम अशुभ का त्याग करके शुभ में आचरण किया है या कर्म की धारा है? देखो भैया, अभी वर्तमान भूमिका में, चौथे गुण स्थान की भूमिका में ऐसा लगता है कि अभी हमने पाप का त्याग किया है और क्या करा, शुभ आचरण में हमने प्रवृत्ति की है। अभी ऐसा कर्तृत्व बुद्धि में ऐसे भाषित होता है। अभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमने नियम ले लिए, हमने आलू छोड़ दिए, हमने प्याज छोड़ दिए, हमने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवक्ष का त्याग कर दिया, अभी हमने व्यसन छोड़ दिए, अभी हमने पाप की प्रवृत्ति छोड़ दी। अभी ऐसी भाषण आती है, बार बार इन्हीं विकल्पों में उपयोग लगा रहता है। हमने ये त्याग दिया, हमने ये त्याग दिया, हमने ये छोड़ दिया, या हमें ये छोड़ना है, हमें ये छोड़ना। अब ये विकल्प भासते हैं। अब इन विकल्पों में जीव को ऐसा लगता है कि हमने इतना कर लिया, अभी हमने इतना कर लिया, अभी हमने इतना कर लिया, लेकिन जीव को ये विकल्प नहीं भासता। जीव आत्मा एक बार बताओ, ये सब तुमने कर लिया या ऐसे निमित्त मिल गए, ऐसे संयोग मिल गए और ऐसी होनहार थी तो ऐसा हो गए? जीव को ये भासता नहीं। यदि ऐसा ऐसा मान लो, ऐसी महाराज जी की चर्चा नहीं मिलती तुम्हें, ऐसा निमित्त नहीं मिलता और ऐसी तुम्हारी होनहार की परिणति नहीं होती, तो क्या तुम ये सब कर सकते थे? इस दृष्टि से भी तो विचार करो कि ऐसे सहज निमित्त मिलना अपने लिए सुलभ थे, अपनी होनहार में ऐसा सारा परिणमन था। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, जब इतनी अच्छी भूमिका मिली है, अच्छी जन देशना मिल रही है, आपके इतने बढ़िया विशुद्ध विशुद्ध परिणाम हो रहा है, आप अवक्ष और अन्याय का त्याग करके चल रहे हो, तो जीवात्मा अब जड़ को जड़ ही मान लो ना, क्या दिक्कत? सारा परिणमन जड़ का। ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा का परिणमन क्या है? ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा का व्यवहार परिणमन क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये ध्रुव त्रिकाली का व्यवहार परिणमन है। और क्या ना निश्चय परिणमन क्या है? क्या कहने लगे? अरे निश्चय परिणमन कहने लगे, अरे वो तो ध्रुव सत्ता था। देखो उत्पाद वे युक्तम ध्रुव सत, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो उत्पाद वे रूप जो पर्याय है वर्तमान में, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की है, इसलिए वो आत्मा का व्यवहार। और क्या कहने लगे? सत्ता क्या है? कहने ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या है? जो त्रिकाली है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, जिसमें एक क्षण के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने लगा तत्व तो, सत्य तो वो है कि नहीं है? और जीव आत्मा जब तक है आत्मा है जीव, जब तक उस ध्रुव सत्ता पे वजनदारी नहीं जाएगी कि हाँ मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मेरे अंतर में मेरी त्रिकाली सत्ता है, मेरे अंतर में मेरा गायक स्वभाव है, यदि इस ध्रुव आत्मा को
सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम, यदि इस सम्यक्त चरण चारित्र को यदि महत्व नहीं गया, सम्यक्त चरण चारित्र पे यदि आपका और हमारा बल नहीं गया, और आपने और हमने इतनी सारी क्रियाएं भी कर ली, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता पे बल नहीं गया, हमारा भेद ज्ञान का भाव नहीं जगा, और हमने इतना सारा संयोग भी जुटा लिया, तो जीवात्मा 11 अंग 9 पूर का पाठ पढ़ने वाला बेचारा और 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाला, वो मुक्ति का अधिकारी नहीं है। तो बताओ, हम थोड़े से सफेद कपड़े पहन के, ये सफेद कुर्ता पैजामा पहन के मुक्ति कैसे चले हैं? ये बात भूमिका को अशुद्ध करने की नहीं है, बात ये है कि जिस भूमिका में हो उस भूमिका की विशुद्धि, कौन सी विशुद्धि? दर्शन ज्ञान की विशुद्धि अपने पास है कि नहीं। जैसे कि आवृत सम्यक दृष्टि है आप और हम, यदि आप और हम ऐसा मानते हैं कि हम आप और हम आवृत सम्यक दृष्टि हैं, तो आपको पर पदार्थों में भेद ज्ञान की दृष्टि है कि नहीं है? आपको आपके होने वाले अशुभ परिणमन, जो अशुभ भाव होते हैं, उनमें ये भासना होती कि नहीं होती कि ये मेरी आत्मा के पतन का कारण है और ये जड़ है? और आप जो पूजा पाठ करते हो, व्रत करते हो, नियम से संयम करते हो, उसमें भी ये भासना होती कि नहीं होती? ये स्वाचरण भी पुद्गलिक क्रियावती शक्ति से हो रहा है, इससे मेरी ध्रुव चेतना भिन्न है, क्या ऐसे स्व अस्तित्व का बोध रखते हो कि नहीं रखते? आपकी भूमिका ये कहती है कि आप पर पदार्थ की मान्यता नहीं रख सकते, मतलब आप व्रत करते हुए भी व्रत और कर्ता अपने आप को नहीं मान सकते। आपकी भूमिका यह कहती है कि आप कुछ भी क्रिया करते समय उस क्रिया में अपनत्व का भाव नहीं रख सकते। जैसे अपन निश्चयभाषी और व्यवहारवासी की बात करते हैं ना, तो युगंध देव ने जब दूसरे नंबर की गाथा लिखी थी, तब उन्होंने लिखा था कि व्यवहारभाषी तो जीवन में 3 काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, निश्चय भाषी के तो फिर भी चांस है। क्या? कि वो तत्व की मान्यता करते 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 कि तत्व को यदि उसने अनुभव में ले लिया, तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों उसका व्यवहार सम्यक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तत्व का निश्चय करने के बाद तो कहने लगे उसकी परिणति जहां सम्यक दर्शन में परिणमित होगी, पहले वो ही उसका व्यवहार हो जाएगा, और जहां सम्यक दर्शन की परिणति पकड़ेगी वहां उसका मोक्ष मार्ग अपने आप खुल जाए। अरे जीवात्मा, बात ये चल रही है कि व्रत अंगीकार करने हैं, हमें भी अणु व्रत लेने हैं, महाव्रत ले रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, लेकिन जीवात्मा अणु व्रत भी लेने हैं, महाव्रत भी लेने हैं, और मोक्ष मार्ग में आगे भी चलना है, ये बात तो बिल्कुल 100 टंच एकदम खरा खर खरी है, लेकिन जीवात्मा ये बताओ कि लेना किसको है? ये बताओ, कहना लेना किसको है? कहना जीवात्मा को लेना है या कहना पुद्गल को लेना है? पुद्गल तो लेता ही नहीं है, देखो अच्छे सुनो ध्यान से, कहना पुद्गल तो अणुव्रत भी नहीं लेता, पुद्गल तो महाव्रत भी नहीं लेता, तो फिर जीव को ही लेना है, अणुव्रत महाव्रत समितियों का पालन करना है, अणुव्रत लेना है, महाव्रत लेना है, यदि अभी चौथे गुण स्थान में अपन है तो 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करना है। देखो देखो, अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी वर्तमान में इतने श्रावक सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, 65 हो 60 हो 70 हो जितने भी हो, तो अपन ये बताओ कि इतने श्रावकों में से 18 क्रिया किसकी निर्दोष है? भैया अभी देखा जाए तो वर्तमान में 18 क्रियाओं का ही पालन नहीं हो रहा, पर अपन बात काई कर रहे हैं, अणु व्रत भी लेना है, महाव्रत भी लेना है, कहने लगे अभी तो 18 क्रियाओं का निर्दोष भाव नहीं आ रहा कि 18 क्रियाएं निर्दोष फल जाए, और बात चल रही है काई की, अणु व्रतों की, महाव्रतों, बोले अभी 18 क्रियाओं का पालन करने की पात्रता नहीं बन रही, और जीव क्या कर रहा है? खूब सारे शास्त्र पढ़ रहा है, और क्या कर रहा है? खूब सारे उपवास कर रहा है, खूब सारी माला जप रहा है, खूब सारे मंत्र पढ़ रहा है, 18 क्रियाओं पालन कर नहीं पा रहा, और खूब सारे मंत्र जप रहा है, खूब सारी माला जप रहा है, खूब सारे शास्त्र पढ़ रहा है, तुम जा बताओ, तुम 18 क्रियाओं के विशुद्धि लायक परिणाम तो तुम ला नहीं पा रहे, बहुत गहरी चोट मारने वाली बात है, यदि कोई को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, तुम 18 क्रियाओं की विशुद्धि के परिणाम तो ला नहीं पा रहे, तुम आवृत सम्यक दृष्टि की भूमिका का परिणाम तो तुम ला नहीं पा रहे, और तुम बातें जमा रहे हो ना जाने कहाँ कहाँ।
और तुम एक बात बताओ अच्छे से, इस अच्छे से चिंतन करके बताओ कि वो 18 क्रियाओं की विशुद्ध परिणति आ काहे नहीं रही। जय ढिलास है ना कि तुम अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की गहरी निष्ठा नहीं है, इसलिए वैसा परिणाम नहीं प्रकट हो रहा। तुम्हें अपने ध्रुव त्रकाली शुद्ध आत्मा पे, जिनेन्द्र भगवान के वचनों पे तुम्हें गाढ़ी प्रतीति नहीं है, तुम्हें गाढ़ा विश्वास नहीं है भगवान की वाणी पे, तभी तो नहीं आ रही हो, नहीं तो निर्दोष 18 क्रियाओं का पालन नहीं होता। हम साधु हो जाएंगे, हम अर्जिका हो जाएंगे, हम अणुव्रत ले लेंगे, हम गुण व्रत ले लेंगे, हम देश व्रत ले लेंगे, हमने इतने उपवास कर लाए, हमने इतने व्रत कर लाए, हमने इतनी मालाएं कर ली, हमने इतने सास पढ़ लाए, छयोपशम कचरे कूड़े का लाभ इकट्ठा किया करा है, सब टोटल कचरा तो है, कचरा तो इकट्ठा करा। कहा भैया आप तो पूरी तरह से उपेक्षित कर रहे हैं। अरे हम उपेक्षित नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भव्य आत्मा, जब तुम इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहे हो तो पहले वर्तमान भूमि का तो बताओ, आवृत सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं, के लिए व्यवहार से 18 क्रियाओं का पालन निर्दोष ये ना, बिना अतिचार के ना, भगवान जी पसीने आ जाएंगे ना, अभी तो सादोष नहीं कर रहा है, बिना अतिचार के कृतकार्य अनुमोदना से उनका पालन करना था ना, बहुत ऊंची भूमिका हो गई। जीवात्मा ऐसी भूमिका क्यों नहीं बन पा रही आज अपनी? विचार तो करो कि आज हम आवृत सम्यक दृष्टि 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करने वाले क्यों नहीं बन पा रहे? जब आप विचार करोगे तो आपको पता लगेगा आज भी हमें अपने ध्रुव त्रकाली की प्रतीति में कमी है, इसलिए हमारे अंतर विशुद्धि नहीं आती। आज भी हमें अपने गुरुदेव जो रत्नत्रय की गुण मालिका दे रहा है ना, शुद्ध आत्म स्वभाव की महिमा बता रहा है ना, उस शुद्ध आत्म स्वभाव की महिमा में हमारा उपयोग मंडित तो नहीं हो रहा, इसलिए वो विशुद्धि नहीं आ रही। और हमारा कहना हमेशा यही रहता है, जीवात्मा जिस भूमिका में हो पहले भाई ये तो सुधार लो या फिर आप भूमिका नहीं सुधर रही, आपको कहे भैया रोग है, बीमारी है, अब भूमिका नहीं सुधर रही, भूमिका में हमारा काम नहीं बन पा रहा, तो भगवान आत्मा अब तुमसे हो ही नहीं पा रहा है, तो अब तुम भैया पाप रूप क्रिया हो रही है, सदाचार भूमिका पाप नहीं हो पा रहा, हिंसा हो रही तो पाप तो बंधे गए, तो अनंत काल से पाप बांध रहे हो, अनंत काल से तुमने अनंत पाप बांधा और अभी भी तुमसे भूमिका का सही पालन नहीं हो पा रहा, तो अभी भी तुम पाप बांध ही रहे हो। लेकिन जीवात्मा सावधान, अब तुमसे क्रियाएं नहीं पल पा रही, 18 क्रियाओं का ही निर्दोष पालन नहीं हो पा रहा, तो कम से कम जीवात्मा इस भाव में उन क्रियाओं का पालन करने की भावना जगा के कम से कम ध्रुव आत्मा की श्रद्धा तो कर लो। यदि इस आत्म तत्व की श्रद्धा करते करते तो मैं लुटिया लग गई, तो ध्रुव आत्मा अनुभव में आ गई, तो अपने आप ही सारी क्रिया बल जाएगी, अपने आप ही विशुद्धि अंतर से बढ़ेगी। और बिना शुद्धात्म तत्व की स्वीकारता के बिना आपके जीवन में क्रांति आने वाली नहीं, और यदि आ भी गई गलती से तो क्रियाओं की पकड़ वाली आएगी। इसलिए हमारा कभी कभी कहना होता है, जब विशेषता से व्यवहार का कोई पक्ष लेता है तब तो हमारा विशेषता से ये कहना होता है कि जीवात्मा यदि ध्रुव त्रकाली की पकड़ हुए बिना उपचार मोक्ष मार्ग की पकड़ हो गई ना, तो फिर सम्यक दर्शन बहुत दूर तक नहीं मिलेगा। यह बात बिल्कुल निश्चित ही जब समझो कि यदि ध्रुव त्रकाली वस्तु स्वभाव की स्वीकारता के बिना, गुरु महाराज ने जो रत्नत्रय की गुण मालिका कही है, इस गुण मालिका के बिना या क्षयोपशम बुद्धि की पकड़ हो गई, या फिर क्या बोलते हैं क्षयोपशम बुद्धि अर्थात क्या बोलते क्या कहें याद करने रटने की पकड़ हो गई, या फिर क्रियाओं की पकड़ हो गई, 16 छपोला की पकड़ हो गई, यदि आपको किसी भी प्रकार के परिणाम शुभ अशुभ परिणामों की पकड़ हो गई ना, कि ऐसे शुभ भाव नहीं करने या ऐसे शुभ भाव रखने, ऐसे अशुभ भाव नहीं रखने, आत्मा की पकड़ के पहले स्वभाव को स्वीकार तत्व को स्वीकार करने के पहले यदि इन क्रियाओं की पकड़ हो गई ना, तो जीवात्मा आत्मा नहीं मिलेगी। इसलिए बार 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 बात इतनी चलती है कि जब तारण तरण देव गुरु महाराज अपने शुरू से लेके अंतिम गाथा तक उस शुद्धात्म प्रभु की महिमा कह रहे हैं, तुम उस शुद्ध स्वभाव को स्वीकार तो करो, यदि सही भाव से स्वीकार करोगे तो कसाय गले बिना नहीं रहेगी, जिस झगड़े को, जिन व्यसनों को, जिन पापों को छोड़ नहीं पा रहे ना, जीवत्व स्वीकार होते ही छूट जाएगी। लेकिन जीव क्या करता है, आत्मा को भी प्रमाद बुद्धि से पकड़ता है, हाँ मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं,
कसायों का पोषण करने में लगा रहता है, आत्म की सुरत नहीं रखता। यदि आत्म सुरत रहे ना तो फिर कसायों का पोषण नहीं होता, अपने आप ही नहीं होता। देखो देखो प्रथम भूमिका में तो जब जीव मोक्ष मार्ग में लगता है ना, साल दो साल में यदि साल या दो साल से यदि कोई जुड़ा हो तो उसके साथ तो ऐसा होता ही है भैया। क्या होता है, उसे तो दो नाव की सवारी लगती है। क्या दो नाव की सवारी लगती है? आत्मा की बात एक घंटे सुनता है वो भी अच्छी लगती है, और उसका जैसा दैनिक रूटीन था कसाय का राग देश का, उसका वैसा रूटीन भी चलता है। तो भाई शुरू शुरू में तो ऐसी अटपटी जैसा बनती है, हमारी भी बनी थी। शुरू में आत्मा की बात भी अच्छी लगती थी, घंटे दो घंटे चिंतन भी अच्छा लगता था, सामायिक भी अच्छी लगती थी, और क्या बोलते हैं आत्मचिंतन भी अच्छा लगता था, वो पाप भी उतने अच्छे लगते थे। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते जब आत्मा की लगन बढ़ी तो पाप की लगन अपने आप घट गई। शुरू में तो दशा तो अटपटी बनेगी, लेकिन उस दशा में ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्या कि इस जीव को आत्मा की रुचि नहीं। उस दशा में ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि जीव का कल्याण नहीं होगा। कल्याण सिर्फ उसका नहीं होगा, किसका नहीं होगा, जो अचेतन की क्रिया में चेतन की मानता कर लेगा उसका निर्माण नहीं होगा, जो अदेव में देव की मानता कर लेगा उसका निर्माण नहीं होगा, जो कुदेव आदि में धर्म की मानता कर लेगा उसका निर्माण नहीं होगा, जो मन वचन का है कि प्रणमन को ही अपना मान लेगा उसका निर्माण नहीं, जो शुभ शुभ अशुभ को अपना भाव मान लेगा उसका निर्माण नहीं। निर्माण किसका होगा भैया? जिसकी मान्यता में अपना ध्रुव त्रिकाली शुद्धात्म देव बच जाएगा उसका ही निर्माण होगा भाई। फिर मैंने कहा ना ज्ञानमयम सम्यक दर्शनत्व, क्या है ज्ञानमय सम्यक दर्शन की बात क्या है? कहने लगे जहां नित्य सम्यक दर्शन का प्रकाश होता है वहां तो ज्ञान में सत्ता ही अनुभव में आती है। संयम चरण चारित्र बाद में आएगा, सम्यकता चरण चारित्र में चेतन स्वभाव में आचरण की मुख्यता पहले आती है। और तारंतरण देव ने ज्ञान समुच्चय सार जी में उस तारंतरण शाकाचार्य जी में कहा ना कि पहले सम्यकता चरण पीछे दो, बाद में पीछे से संयम चरण। संयम में आचरण करना अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन सम्यक्त का गुण है, सम्यक्त का लक्षण है संयम। ये बात हमेशा जेम में बैठा कर रखनी पड़ेगी। क्या जेम में बैठा कर रखनी पड़ेगी कि सम्यक्त का लक्षण है संयम, सम्यक्त चरण चारित्र का लक्षण है संयम चरण चारित्र। अकेले अभी संयम चरण चारित्र की कहां बात कर रहे हैं भाई? अभी तो कहना अभी तो संयम संयम नहीं हो रहा। अरे संयम संयम की बात कहां कर रहे हैं भैया? अभी तो आवृत्ति के 18 आवृत्ति श्रावक की 18 क्रियाएं नहीं पल रही। कहा करें भैया, पंचम काल है, मति ईष्ट ईष्ट तत्व को स्वीकार करने तैयार नहीं है। घर गृहस्थी की भूमिका में जिन जीवों का समूह का हमें संयोग मिला है वो अवक्षी हैं, वो अवक्ष खाने वाले हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले, मतलब लेट सो के उठने वाले हैं, रात्रि में भोजन करने वाले हैं। कि ना अभी हमें जिन जीवों का संयोग मिला है उनकी निशाचर प्रवृत्ति है। अब देखो हम कह रहे हैं, अब आपको ये बात बड़ी खट्टी लगेगी लेकिन सत्य तो यही है कि अभी हमें जिन जीवों का संयोग मिला है और हमें हम अभी जिस भूमि पे जन्म ले लिया है हमने वहां पंचम काल का परिवेश है, तो उस परिवेश उस द्रव काल भाव क्षेत्र के अनुसार जीवों के प्रति निशाचर हो गई है। और कहने लगे इन निशाचर प्रवृत्तियों के बीच में, मतलब उन संस्कारों को निशाचर कह रहे हैं जो जीव के साथ है, वे जीव निशाचर। आत्मा तो सबकी भगवान आत्मा है, भगवान तो सब भूतनाथ है, भूतनाथ मतलब अरिहंत के समान। तो केवल निशाचर प्रवृत्तियों के साथ रह रहे हैं हम, निशाचर प्रवृत्तियों के साथ रह रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ना निशाचर प्रवृत्तियों के साथ रहने से, निशाचर परिणामों के बीच में रहने के कारण से क्या हो रहा है, हम न कृत से न कारित से न अनुबोधना से केवल हम 18 क्रियाओं का पालन ही नहीं कर पा रहे। मान लो हम रात्रि भोजन नहीं भी करें तो हमें कराना पड़ता है, यदि हम अवक्ष नहीं भी खाएं तो हमें अवक्ष बनाना पड़ता है। और प्रमाद से कहने लगे हम 3 दिन की मर्यादा का आटा तो भी पीस ही नहीं सकते, कहले ये सब तो हमसे होने ही वाला नहीं है। तो संयोग में भी निशाचर है, संस्कार है, संयोग में भी ऐसे जीवों का संयोग है जो अपने को
उन 18 क्रियाओं में निर्दोष गमन करने में अभी वर्तमान में सहकारी नहीं बन रहे, और हमारे खुद के संस्कार इतने खतरनाक हैं पूर्व भव के कि हम इतने प्रमादी हैं कि हम टीवी देखना, मोबाइल चलाना तो पसंद करते हैं, फोन पे यहाँ वहां गप्पे लगाना तो पसंद करते हैं, लेकिन मर्यादित वस्तुओं को सुरक्षित करना, अपने जीवन में नमक का की मर्यादा, आटे की मर्यादा और मसाले की मर्यादा, इस मर्यादा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। किटी पार्टी, नाचना गाना, रेस्टोरेंट, गरबा और टीवी सिनेमा, इन सब के लिए हमारे पास टाइम है ना। तो हम खुद क्या कहले अशुद्ध संस्कारों का पिंड है। हमारे संयोग में भी ऐसे जीव हैं, कोई करना चाहे तो उसके संयोग ऐसे हैं कि वो खुद तो कर पाता है लेकिन कार्य तो अनुमोदना से नहीं छोड़ पाता, खुद के राग बस, खुद के राग के वशीभूत संस्कार ऐसे है ना, और स्वयं इतने सुखमाल हैं कि भैया विषय भोगों की अनुरक्ति इतनी है, विषय भोगों में इतना राग है कि विषय भोगों के लिए टाइम तो निकलता है लेकिन मर्यादित वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए टाइम नहीं निकलता। अब बताओ भैया, हम स्वयं 18 क्रियाओं का पालन करने में अभी लाचार हैं और हम बात क्या कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे हम, स्त्री पर्याय का छेदन करेंगे हम, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, कहने लगे निगो नहीं जाएंगे, या हम नर्क नहीं जाएंगे, या हम क्या करेंगे भैया हम स्वर्गों को उपजाएंगे। अरे तुम 18 क्रियाएं तो पाल नहीं पा रहे, क्या क्या कहने हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुमसे तो जे तुम्हारी तो बस की नहीं है, बाहर से कछु करने की बस की नहीं है, तो क्या करें, अब जो तुम कर ही नहीं पा रहे हो उसे करने के लिए आत्मा की विशुद्धि चाहिए। और अभी उपचार मोक्ष मार्ग को तुम नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, अब यहां से तुम हार्ट उठाए रहे हो, तुम्हें दवाइयों का सेवन करना ही पड़ा है ना, हमें औषधि लेनी पड़ रही है, कौन सी अंग्रेजी, अब तुम्हें लेना ही पड़ रहा है, तुम दूध छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो अब तुमसे जब ये सब छूटा ही नहीं रहा, डॉक्टर कह रहा है इसके बिना तुम रह नहीं पाओगे, तो जीवात्मा अब तुम जब यहाँ प्रवृत्ति कर ही नहीं पा रहे, तो जितनी सामर्थ्य से अशुभ तुम छोड़ पाए हो, जितनी जीव हिंसा को तुम त्याग कर पाए हो उतनी त्याग कर पाए हो, लेकिन भगवान आत्मा इन क्रियाओं का विकल्प पाल के कहीं तुम ऐसा तो नहीं हो कि तुम दो ही दिन से जा रहे हो, तुम ये भी नहीं कर पा रहे और तुम ध्रुव आत्मा की श्रद्धा भी नहीं कर पा रहे, ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ध्रुव आत्मा का विश्वास भी नहीं हो पा रहा, तुम्हें जनेन भगवान की आज्ञा में भी दृढ़ता नहीं आ पा रही, ऐसा तो नहीं, दो ही दिन से तो नहीं जा रहे भैया, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो यही है ना। हाँ नहीं ना ना, उपचार मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, यदि सम्यक दर्शन की परिणति पिकटेगी तो फिर ऑटोमेटिकली 18 क्रियाओं का पालन होगा, लेकिन सम्यक दर्शन की परिणति जब पिकटेगी, जब तुम तत्त्वाभ्यास करोगे, तब छह काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का गहरा भाव लाओगे तब पिकटेगी, पाखंड करने से नहीं पिकटेगी, फिर आत्म तत्व की रुचि जगाने से पिकटेगी। जीवों के अंदर इतने द्वंद है, क्या है, किसी को पहले कर्म सिद्धांत को शुद्धता से ना जान के, यदि कर्मों की पकड़ हो जाए, कर्म के मर्म को जीव ना जाने और कर्मों की पकड़ हो जाए, भाव की पकड़ हो जाए, तो जीव को ये ध्रुव आत्मा, इसकी पकड़ होना दुर्लभ हो जाती, और अनंत काल से यही हुआ है। अपन कहते हैं ना कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी क्या नहीं जानता था, उसके पास ऐसी क्या कमी थी कि उसे आत्मा की प्रतीति नहीं आ पाई, उसके पास यही कमी थी, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले के पास क्या कमी थी जो उसे ध्रुव आत्मा नहीं मिला, बस यही कमी थी कि उसने उपचार मोक्ष मार्ग में अपना पूरा समर्पण तो कर दिया, परिणाम भी सब कर लिए, चिंतन भी 11 अंग और 9 पूर्व का कर लिया, छिन्नमाणी को कहना बोलना बताना अपन तो कुछ नहीं है उनके आगे, उसे सब कुछ आ गया, लेकिन उसके अंतर में, उसके जहम में सिर्फ एक सत्य नहीं आया, क्या, ये सब जड़ भाव है और इस जड़ भाव से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसी शुद्ध आत्म चेतन सत्ता पर उसे विश्वास नहीं आया, और कहीं ये गलती अपने से तो नहीं हो रही,
और यदि हो रही है, जीवात्मा अभी मौका है, गुरु महाराज के शरण में हो, तारण तारण देव के शरण में हो, गुरु महाराज कह रहे हैं ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, अभी हो गुरु महाराज के शरण में, गुरु महाराज कह रहे हैं प्रणमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, या प्रमाण नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधम श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अभी गुरु महाराज कह रहे हैं अभी मान जाओ जीवात्मा, अभी मान जाओ, अभी थोड़ी ज्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी देर तो हो गई लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। तस गुणमाला को तस वीरजम, अपना पुरजोर पुरुषार्थ लगा के, अपनी अंतरात्मा की पूरी शक्ति लगा के आत्म गुणों की माला को गूंथो, ज्यादा देर नहीं हुई, अभी अभी लौट के आ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं निकले हो। अभी सम्यक दर्शन की महिमा से मंडित होके लौट के आ सकते हो, यदि नहीं आ पाए ना लौट के तो तुम्हारे ये शुभ क्रियाएं कोई गिनती में नहीं आई। एक भाव तुम्हारा शुभ चिंतन, तुम्हारी शुभ क्रियाएं, हमारा ये नियम व्रत, ये बाहर का भेष कुछ काम में नहीं आएगा। एक भाव स्वर्ग से ज्यादा, और स्वर्ग भी नहीं, ये वैंतर गति का कारण, एक भाव देव वैंतर भाव के अलावा, भवनवासी वैंतरवासी भाव के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाले। अगले भाव एक इंद्रिय पर्याय में जाओ, डरा रहे हो, 18 क्रियाओं को करने में दंड कर रहे हो, या फिर 18 क्रिया नहीं करना चाहिए ऐसा कह रहे हो, शुभ आचरण छोड़ने कह रहे हो कि अशुभ आचरण छोड़ने कह रहे हो, कि ना आपकी चर्चा में कुछ समझ में नहीं आता। कहां से आएगा, शुद्ध आत्मा की रुचि हो तो समझ में आएगा, और शुद्ध आत्मा की रुचि नहीं हो तो ये गटपट होता रहेगा कि शुभ आचरण का है, अशुभ आचरण का है, हम जा करें कि जा करें कि आत्मा की बात सुने, कि व्यवहार की चर्चा सुने, कि हम जाए सही माने, कि जाए सही माने, ये सारा द्वंद क्यों? क्योंकि तुम्हें या हमें अभी क्या क्या है, हमें नए का नए सम्यक ज्ञान प्रमाण होते, हमें अभी नए चक्र का विधान नहीं मालूम। नए चक्र का क्या विधान कब प्रकट होता है? जब जीव को सम्यक ज्ञान, जब जीव आत्म अनुभूति पूर्वक तत्वों को जानता है, या वस्तु स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक जो तत्वों को ज्ञान में जानता है, तब सम्यक ज्ञान रूप नए प्रकट होते हैं। और अभी अपने ने आत्मा को स्वीकार किया नहीं, और नए विवक्षा में उलझ गए। नए विवक्षा में उलझ गए मतलब ये व्यवहार से ये मोक्ष मार्ग है, निश्चय से ये मोक्ष मार्ग है, अनौपचारिक व्यवहार ये है, और ये वाला निश्चय ये है, और जय जय है, ये हमारे दिमाग में पूरी खोपड़ी में भरा हुआ है ना। और अभी खोपड़ी में ये सब भर लिया, और इस खोपड़ी में भर लिया, और आत्म तत्व की महिमा आई नहीं, सदगुरु की महिमा आई नहीं, चैतन्य की महिमा आई नहीं, और पूरे नए विकल्पों में दिमाग को में एक डस्टबिन, दिमाग को कचरा डस्टबिन बना लिया, और सब कुछ याद कर लिया। भगवान आत्मा सुनो, दिमाग के कचरे से आत्मा नहीं मिले, फिर सच्ची श्रद्धा समर्पणता से आत्मा का अनुभव होगा। याद रखो, अपनी रुचि को छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। कौन सी रुचि? चाहे वो याद करने की हो, चाहे वो क्या कहले नियम व्रत करने की हो, और चाहे वो आपको व्यसन करने की हो, और चाहे वो आपको जुआ खेलने की हो, और चाहे वो आपको घर पुत्र परिवार का रस लेने की हो, आपको अपनी सभी रुचियों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि रुचि में तो सिर्फ आत्मा चाहिए बस, रुचि में आत्मा चाहिए, रुचि में आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सारी रुचि छोड़नी पड़ेगी। देखो तो जब हमारे अशुभ भाव चलते ना, तब तो हमें डर लगता है कि भाई अशुभ भाव हो रहा है, आत्मा को स्मरण कर लो, आत्मा को स्मरण कर लो। हमने कल भी कही थी जब हम, लेकिन हम जब प्रवचन करते हैं ना, तब हमें डर नहीं लगता। काय डर नहीं लगता भाई? अभी तो हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं ना, ये मन इतना नीच है, ये मन कहता आत्मा की तो चर्चा कर रहे हो। अरे बेवकूफ, जे आत्मा की चर्चा करना भी पुद्गल का परिणाम है। इसमें रुचि आत्मा की कहाँ है? जब ये बिना बिना आत्मा की रुचि के आत्मा की चर्चा हो जाती है, देखो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भैया? आपको आत्मा की रुचि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बिना आत्मा की रुचि की चर्चा कर रहे हो? बिल्कुल। अब चक्कर आएंगे, और चक्कर आके अब हम गिरेंगे।
जय तो यही तो बात चल रही है जीवात्मा, क्रियाएं तो बहुत बहुत अधिक हो रही हैं और जितनी नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा वजन उठा रखा है, जितनी नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा वजन उठा रखा है। मतलब आवृत सम्यक दृष्टि की भूमिका में घर गृहस्थी पुत्र परिवार के साथ शांति से रह सकते थे आप, और लेकिन आप एकांत में अकेले में बढ़िया रह रहे हो आवृत्ति सम्यक दृष्टि की भूमिका में, और आप एकांत विचरण कर रहे हो, एकांत में रह रहे हो और अपना समय शक्ति उपयोग क्या कहें स्वाचरण में लगा रहे हो, तो भूमिका से ज्यादा वजन उठा रखा है। अब ये बताओ भूमिका से ज्यादा वजन तुमने उठा रखा है, मान लो तुम्हारी कैपेसिटी 50 किलो उठाने की, तुमने 200 किलो का वजन अपने सर पर उठा रखा है, तो तुम ये बताओ तुम वजन के नीचे दबे मरे पड़े हो या फिर मोक्ष मार्ग में आगे चल रहे हो, तुम तो जा बताओ। तुम क्रियाओं के वजन के नीचे, तुम अपने 6 ऑप्शन ज्ञान के वजन के नीचे दबे मरे पड़े हो या ध्रुव तत्व की प्रतीति में आगे बढ़ रहे हो, तुम तो जा बताओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के सहकार में आगे बढ़ रहे हो, ये बताओ भाई। आप ही बता दो, आप ही घर छोड़ के धर्मशाला में भटक रहे हो, हम तो अपनी कह ही रहे हैं, हम तो क्रियाओं के बोझे के नीचे दबे पड़े हैं। तुम अपनी बताओ कि तुम वजन को लेके उन क्रियाओं के नीचे दबे पड़े हो या फिर अपनी आत्मा की प्रतीति बढ़ा रहे हो। अकेले भैया आप हमें आपके प्रवचन प्रवचन सुनना मुन्ना तो है नहीं, आपने इतना कंफ्यूज कर दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया कि का करें कि का ना करें, ये करें कि ये नहीं करें, ये करें कि ये नहीं करें, ये करें कि ये नहीं करें। देखो 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 अभी भी आपको पूरे प्रवचन में क्रिया ही सुनाई दी ना, अभी भी आपको ये सुनाई थोड़ी दिया कि हमने ये कहा है कि ये सारा उद्गल कर्म का परिणाम है और तुम इससे भिन्न ज्ञायक तत्व आत्मा, ये सुनाई थोड़ी दिया। देखो सब आप इस बात से प्रमाण लगाओ, आप इस बात से प्रमाण लगाओ, इतनी चर्चा सुनने के बाद यदि आपके अंतर के विकल्प पड़ गए कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, भैया तो कुछ भी बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, यदि आपको ये सारे विकल्प आए तो इसका मतलब अभी भी आपको और हमें ध्रुव काली भगवान आत्मा सुनाई नहीं देता, अभी भी आपको और हमें ध्रुव काली भगवान आत्मा का विश्वास प्रकट नहीं होता, अभी भी आपको और हमें अपनी शुद्धात्म सत्ता प्रिय नहीं लगती। तभी तो ये सारी बातें सुनाई दी आपको कि ऐसा करो कि नहीं करो, कि ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, ये सब सुनाई दिया, लेकिन ये नहीं सुनाई दिया कि ये कहा है कि अपनी त्रिकाली ध्रुव सत्ता तो इस सबसे भिन्न है, इसकी रुचि बढ़ा, ये सुनाई नहीं दिया, नहीं दिया ना सुनाई, देगा भी नहीं ये सुनाई। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि ये सुनाई देने के लिए चाहिए आत्मा की शुद्ध रुचि, खरी खरी रुचि, और यदि आत्मा की शुद्ध खरी रुचि नहीं होना तो ये ही सुनाई नहीं देता और बाकी सब सुनाई देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया की बात सुनाई देती है, तुम जा कर रहे हो, तुम जा नहीं कर रहे, तुमने जे करो, तुमने वो खाओ, तुमने पानी खाओ, दुनिया की बात सुनाई देती, बस एक आवाज सुनाई नहीं देती, एक सत्य सुनाई नहीं देता कि तू ध्रुव त्रिकाली चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, इस सत्य के अलावा सब सुनाई देता है। और अपने आप से पूछ, अपने मन से पूछ लो, 45 मिनट की चर्चा होने वाली है, इस 45 मिनट की चर्चा में आपको ये कितना सुनाई दिया कि मैं ध्रुव आत्मा हूं, इसकी प्रतीति कितनी गाढ़ बढ़ गई, और आपको ये कितना सुनाई दिया कि भैया ने इसको भी उपेक्षित कर दिया, भैया ने इसको भी उपेक्षित कर दिया, भैया ने व्रतों को भी बकवास कह दिया, नियमों को भी बकवास कह दिया, पढ़ने को भी बकवास कह दिया, नए को भी बकवास कह दिया, और कहने लगे अपने भेष को भी, अपने आप को भी बकवास कह दिया, चर्चा को भी बकवास कह दिया, कहने लगे जे तो पागल पूर्ण पागल है, और हमें भी जब आत्मा आत्मा की बात सुना सुना के और जब फालतू बात सुना सुना के हमें भी पूरा पागल करके छोड़ेंगे, है ना। जय जय विकल्प चल रहे होंगे, जिसको जिस चीज की पकड़ है, जिसको व्यसनों की पकड़ है उसे व्यसनों के विकल्प चल रहे होंगे, जिसे शुभ क्रिया की पकड़ है उसे शुभ क्रिया के विकल्प पर चल रहे होंगे, जिन्हें 6 ऑप्शन की पकड़ है लिखने पढ़ने की, जिसे जिस चीज की पकड़ है उसे वो विकल्प चल रहे होंगे बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि जिसकी जहां की रुचि है उसको वो विकल्प, वो मानता अंतर में मानता पड़े ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो वो मानता वहां आके उभर जाएगी, वो अहंकार आकर खड़ा हो जाएगा, रे कोई इतना आसान है क्या, तुम करके बताओ हम इतना कर रहे हैं, वो अहंकार वो मान कसाय, मां अहंकार का भाव, मां मान कसाई की भावना आके खड़ी हो जाएगी, अहंकार की परिणति आके खड़ी हो जाएगी, देखो देखो मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं, और ये देखो ये हर कुछ बोल रहा है, हर कुछ बोल रहा है, देखो बकवास कर रहा है, इन्हें पता है इतनी मेहनत लगती है,
तुम्हारा अहंकार बलवाला के सामने आ जाएगा, लेकिन वो मैं ध्रुव प्रकाली हूं, अरे ये महिमा नहीं आएगी कि देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो ये जगत का सारा परिणमन से परे मेरा ध्रुव प्रकाली है, उसकी उसकी एक समय की अनुभूति की ये महिमा है कि अनंत संसार छय हो जाता है। तो मैं अनंत क्रिया एक तरफ, ये बाहर का पूरा पूरा कचरा कूड़ा एक तरफ, और कहने लगे अंतर स्वभाव की एक समय की आनंद अनुभूति एक एक तरफ, एक समय की तत्व की स्वीकारता, वस्तु स्वभाव की मान्यता, तत्व का अभ्यास, गुरु महाराज की चरण शरण आना, वो गुरु महाराज के प्रति समर्पण का भाव, सिर्फ ये समर्पणता का भाव अकेले से मिथ्या से अचेतन से जड़ से क्रियाओं के से इन सब से छूट जाते, एकमात्र समर्पण मात्र से सारे काम बन जाते। ये नहीं सुनाई देगा, लेकिन इसको भी पढ़ लो उसको भी पढ़ लो, यहाँ भी चले जाओ वहां भी चले जाओ, ये भी कर लो वो भी कर लो, तुम सब ही कर लो भैया, आत्मा को छोड़ के तुम्हें जो करने वो सब कर लो। तो फिर हमारा वो डायलॉग कितना अच्छा लगता है, क्या करे आत्माएं खा ले, आत्माएं पी ले, आत्माएं होड़ ले, आत्माएं बिछा ले, ककल ले इस आत्मा को, ककल ले, कछु काम की नहीं है, ना खावे काम की, ना पीवे के काम की, ना होड़बे के काम की, ना बिछावे के काम की, या कछु काम की नहीं है ये आत्मा, और तुम आत्म ही आत्मा चिल्ला आत्मा है ना। भाई तब देखो सबकी अपनी अपनी परिणति, कोई ऐसा कहेगा कि भैया देखो आत्मा आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, स्वाक्षंदी है, व्रत नहीं है, महाव्रत नहीं ले पा रहा, साधु नहीं बन पा रहा, लोग कहते हैं साधु बन के दिखाओ तो माने, अरे भैया हम चारित्र की बात कर ही कहां रहे हैं जो आप साधु से तुलना कर रहे हो। हम तो बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि की, भेद ज्ञान की, हम बात कर रहे हैं तत्व निर्णय की, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता की, हम बात कर रहे हैं मान्यता की, हम बात कर ही कर रहे हैं चारित्र की, तुम इतने विकल्प काय कर रहे हो, तुम्हें विकल्प हो रहा है इसका मतलब तुम्हें क्रियाओं की पकड़ है, सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन होता तो जीव अपनी आत्म प्रतीति मस्त हो जाता कि आह हा हा देखो 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 बाहर के समस्त वंश रहे, देखो ध्रुवता का जागरण, गुरु महाराज ने यही तो किया, क्रियाओं के जंजाल को आडंबर को फाड़ के सत्य धर्म की स्थापना करके और भीतराग धर्म के सहकार से मुक्ति मार्ग की प्रभावना करी, उनका शुभ आचरण इतना गजब का रहा, उनका तेज इतना बड़ा कि उन्हें जहर पी लिए तो अमृत बन गए, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर वीतरागता की महिमा थी और अपने अंदर राग का पक्ष है, राग तो भूमिका में रहेगा, चाहे उपसम सम्यक दृष्टि जीव है तो राग तो भूमिका में रहेगा, लेकिन राग का राग उपदेश सार जी ग्रंथ में अच्छे से पढ़ा था ना, अभ्यास का राग, राग का राग, राग का भी राग है, अभ्यास का भी राग, काय का अभ्यास, नियमों का अभ्यास, व्रतों का अभ्यास, इनका राग का भी राग, इस भूमिका में तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल आवृत्ति सम्यक दृष्टि को इस भूमिका में करने पड़ेंगे, हम मना कहाँ कर रहा है, लेकिन उस राग का राग तो मत करो, उसे धर्म तो मत बोलो, फिर क्या बोले, परिणमन, भूमिका बोलो, परिणमन बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन भगवान जी आत्मा को छोड़ के तो मत करो रे, का भैया आत्मा नाम का कोई दोरा मुरा तो नहीं पड़ता, क्या का है, आपको एक आध घंटे के लिए आत्मा को दोरा पड़ जात हो तो आत्मा नाम की मिर्गी मिर्गी तो नहीं आती, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो गए आत्मा नाम का कोई बेअंतर भूत तो नहीं है, का है जो आप चेड़ गांव होए, आपको आत्मा नाम का कोई प्रेत मृत तो नहीं है जो छेड़ गया हो, पर आप आत्मा 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 चल रहा है, कोई प्रेत प्रेत तो नहीं है जी, बात में तुम्हें जो समझना वो समझ लो, लेकिन वास्तव में इस ध्रुव प्रकाली चैतन्य सत्ता को स्वीकार किए बिना यहाँ कुछ होने होने वाला नहीं है, जब तक ये ध्रुव प्रकाली स्वभाव शुद्धात्म तत्व अंतर में स्वीकार नहीं होगा तब तक जीवात्मा मुक्ति मुक्ति ऐसा कोई काम नहीं बनेगा। अब आप जानो, हम जाने अपनी, आप जानो अपनी कि आपके अंतर में कितना ध्रुव शुद्धात्मा के प्रति समर्पण है, आप
अपने अंतर में कितना द्रुप्त काली स्वभाव को स्वीकार करके आप कितना सदाचार से जीवन जी रहे हो, आपके सदाचार में तत्व है कि नहीं है, आपके सदाचार में शुद्धात्मा की प्रतीति का महत्व है या चलने वाले शुभ अशुभ परिणाम का महत्व, आप अपनी मान्यता को खुद टटोल सकते हैं और हम अपनी मान्यता को स्वयं टटोल सकते हैं। हम अपने समर्पण तक, लोग कहते हैं भैया हाँ भैया आत्मा को स्वीकार तो कर लिया, आत्मा को स्वीकार तो कर लिया, हाँ मानते ना हम आत्मा है, ऐसे नहीं, आप अपनी प्रतीति को प्रमाण करके बताओ कि हर एक परिणाम में आपको आत्मा की प्रतीति की ज्यादा खबर रहती है या शुभ अशुभ परिणामों की ज्यादा खबर रहती है, इसे मानेंगे प्रमाण। तो आप खुद जानते हो भैया कि आपको, आपको या हमको, हम खुद जानते हैं कि हमको ये तत्व चर्चा करने में मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति या ऐसा बहुमान कितना झूल रहा है, और ये शब्द शब्दों का व्यवहार कितना हो रहा है, ये हमारी मान्यता हमारा समर्पण हम जानते हैं। ऐसा ही आप भी जानते हैं कि आप जो क्रियाएं कर रहे हैं उन शुभ अशुभ भाव में आपको ध्रुव भगवान आत्मा की कितनी महिमा बरत रही है, उन क्रियाओं का महत्व कितना बरत रहा है। जी याद रखना, जितना क्रियाओं का महत्व बरत रहा है उतना पाखंड, और जितना ध्रुव भगवान आत्मा की प्रतीति बरत रही है उतना ही मोक्ष मार्ग है, वही व्यवहार है कि ना भैया। आप और कुछ सुनाना है क्या आपको, यानी आज का एक घंटा इसीलिए बस, कल अपन ये चर्चा करेंगे नहीं, कल अपन वापस मोमल पहाड़ जी पे जाने वाले ना, कल या परसों में अपन वापस मोमल पहाड़ जी विस्तारेंगे, और गुरु महाराज मोमल पहाड़ जी में अपनी ही श्री घृति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि देवियों का वर्णन चल रहा था फूलना में, अपन वापस चलेंगे पद्म सरोवर पे ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे, ध्रुव स्वभाव की सुरत रूप महापुंडिक सरोवर में आनंदित होंगे, चल रहे अपन कल या ज्यादा से कल या परसों। तो अपन कल परसों में वापस चलते मोमल पहाड़ जी की ओर, बढ़िया आनंद उत्सव, गुरु महाराज ने जो आनंद उत्सव मनाया है उस आनंद उत्सव में सम्मिलित होने के लिए चलेंगे अपन। लेकिन जीवात्मा, ए जीवात्मा, उस आनंद उत्सव में तो सम्मिलित हो जाओगे तुम, बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी तो ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार कर लो रे, कि नहीं। तो ये जो चर्चा होती है ना, इस चर्चा में जीवों के अंतर मन को इतनी ठेस लगती है, इतनी ठेस लगती है, इतनी ठेस लगती है, अपनी संस्कारों की जो संस्कार है जीव के, उन संस्कारों पर इतनी ठेस लगती है, इतनी ठेस लगती है कि चर्चा सुनना भी पसंद नहीं करते जीव। आप लोग सुन रहे हो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि अंतर मन में ठेस लगती बहुत बुरी तरीके से, क्यों क्यों, क्योंकि हमने आत्मा की पकड़ को भी आत्मा आत्मा कह दिया, आत्मा गणेश जी मनो के स्थापित कर दिया और कह दिया हाँ भाई हमें आत्मा स्वीकार है, और उसकी प्रतीति नहीं जगाई, उसको अभ्यास, उसको निरंतर अपनी धारणा में अस्तित्व रूप स्वीकार नहीं किया, और परिणमन को बकवास स्वीकार नहीं किया, तो जीवात्मा आत्मा आत्मा कह के भी छल ही कर रहे हो, यहाँ किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ना व्यवहार पक्ष वालों को बख्शा जाएगा, ना अज्ञान अज्ञान निश्चय व्यवहार को बख्शा जाएगा, अज्ञान नहीं चाहिए, समर्पणता से निश्चय चाहिए, ध्रुव के प्रति समर्पणता से। पहले ऐसे सुन के भगवान वो संतुष्टि में स्वभाव की प्रतीति है तो ठीक है, और जो संतुष्टि भर है हाँ भैया हम तो आत्मा को सुनते हैं, स्वभाव की प्रतीति नहीं है तो अभी वो गलत है, स्वभाव चाहिए हमें हर हाल में, गुरु माई ने कहा ना, हाँ तो बस फिर ठीक है, स्वभाव 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 विलसाई आनंद है, उसकी महिमा है, उसका बहुमान है, उसकी प्रतीति है, यदि ये सब है तो फिर ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मोक्ष मार्ग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, और यदि जिनेन भगवान की वाणी को सुन के यदि अपना सम्यक उल्टो जीव अनादि को अनंत काल का उल्टा जीव यदि अब सुलटन को दाव, यदि अब सुलट रहा है तो ही आत्मा कल्याण होएगा भैया, और यदि अभी भी नहीं सुलटो और अभी भी इन अज्ञान मानताओं में अपनी अज्ञान खोपड़ी फंसाया रहा, अभी भी यदि बाहर के प्रणवन में कर्तत्व की भावना रखा रहा, तो इस जीव का तीन काल में कल्याण होने वाला नहीं।
देखो इस बात को यदि आप सार रूप चिंतन करना चाहोगे तो नहीं होने वाला। अभी आपने सुन लिया खुद से हमसे, और यह चोट भी लग रही होगी, लेकिन खुद से चिंतन करोगे ना तो चोट भी नहीं लगती। यदि हम खुद ही देखो, जैसे आप यहाँ कोई दूसरा बोलता है तो संस्कारों पर चोट लगती है, और यदि खुद चिंतन करते ना आप ये कि देखो हम ये पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, अरे ये तो कैसी है, कहने ये तो अनित्य है, अरे ध्रुव आत्मा की प्रतीति लगाओ, इतनी चोट नहीं लगती। जब कोई दूसरा बोलता है ना, अरे पाखंड कर रहे हो, ये धर्म है क्या, तो चोट लगती। ये सब बातें हैं, ये मोक्ष मार्ग ये है ही ऐसा, यहाँ साधना करनी पड़ती है। बिना साधना करे कुछ नहीं मिलता, बैठे बिठाए का काम नहीं है ये। ये रोटी सब्जी नहीं है जो किसी दूसरे ने बना दी और तुमने खा ली, ये रोटी सब्जी नहीं है। तो ये क्या है, ये जनैन भगवान की वाणी है, पुरुषार्थ का मार्ग है, स्वयं आगे बढ़ोगे तो प्राप्त होगा। ये सब्जी भाजी नहीं है, ये दूसरे ने सुधार दी, बिनोदी बना दी और तुमने खा ली, ये सब्जी भाजी नहीं है। वो तो कहने में आएगा, साधना करनी पड़ती है, मतलब वहां साधना अपने ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य बनाना पड़ता है। तो वहां ध्रुव का लक्ष्य होता है तब ये बातें अंतर में समझ में आती हैं, और जब अंतर में ये बात समझ में आती है तब मान्यता टूटती है क्रियाओं की, और नहीं तो मर जाओगे जीवात्मा। क्रिया करते करते मर जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, खाली कोखा खाली बर्तन और खाली सब रह जाएगा। कि भाई थोड़ा बहुत तो गुंजाइश छोड़ दो, जब ध्रुव की बात चलती तो कोई गुंजाइश नहीं। तारण स्वामी से कहा गया था कि गुरुदेव कुछ पुण्य पाप की क्रियाओं का उपदेश भी तो दे दो, धन दौलत पुण्य बढ़ जाए ऐसा उपदेश भी तो दे दो, स्वर्गों के भोग मिल जाए ऐसा उपदेश भी तो दे दो। तो गुरु माया ने कहा था, क्या कहा था, क्या क्या था, क्या कहा था, बताओ क्या कहा था। है संसार तो आवई जावई, हम संसार छोड़ा। तारण स्वामी से पूछोगे तो वो तो यही कहेंगे ओंकार वेदंती शुद्धात्म, वो नहीं कहेंगे तुम्हें, नहीं बताएंगे कि तुम ऐसा कर लो तो स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा कर लो तो यहाँ चले जाओगे, ऐसा कर लो तो यहाँ चले जाओगे। उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तुम शुद्ध आत्म तत्व की महिमा को स्वीकार करके सदाचार में 18 क्रियाओं का पालन करके भी यदि तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे तो कहने लगे नर्क निगोद आदि पर्याय का क्षय हो जाएगा, स्थिर पर्याय अपने आप चली जाएगी, ये सम्यक्ति होगी तो। और कहले भैया सम्यक्ति तो छोड़ो, कहले भैया फोटो में भगवान मानते रहेंगे तो दिव्य महाजी कितने बड़े मस्त एकदम सीधा सीधा, भैया वो फोटो है बाकी बिने करो, पाव मत रख दई, पाव मत रख दई। अब हमारे पास बहुत सारी आई बीना में, तो लोगों ने कहा क्या करो क्या करोगे, हमने उनको जो किया वो तो किया ही। तो कहने लगे भैया अभिनय होगी अभिनय होगी अभिनय होगी अभिनय होगी। अरे दादा तुम देखो तो तुम्हें तुम जड़ को मान रहे हो कि चैतन्य को मान रहे हो, तुम्हें जीवत्व भाषित हो रहा है या तुम्हें जड़ क्रियाओं में धर्म भाषित हो रहा है। तुम जड़ और चेतन में अंतर तो पहचानो जीवात्मा, जड़ और चेतन में अंतर पहचानोगे तब जाके आत्मबोध प्रकट होगा। तो भैया देखो बातें तो अपने बहुत सारी कर ली, बकवास तो हमने भी बहुत सारी कर ली, अब बात इतनी है कि हमें अपनी प्रतीति कितनी देर रही, ये हमारा खाता, ये हमारा अकाउंट, हमारा मोक्ष का मार्ग, आपको आपकी प्रतीति कितनी रही, ये आपका खाता, ये आपका मोक्ष का मार्ग, और आप और हम सब अपने अपने खाते को दुरुस्त बनाए, अपने अपने खाते को अपने अपने बही खाते को शुद्ध करें। शुभ भाव तो संयोगी भूमिका में होंगे ही, ऑटोमेटिकली होंगे ही, यदि आत्मा की लगन लगाओगे, तत्व चर्चा सुनोगे, स्वाध्याय करोगे तो शुभ भाव तो होंगे, अपने आप ही होंगे, इसलिए उनके लिए ज्यादा जतन नहीं करना पड़ेगा। यतन करो तत्वों को स्वीकार करने का, भाव विशुद्धि अपने आप होगी। यतन करो तत्वों को यथार्थ वस्तु स्वभाव का निर्णय करने का, आपकी कसाय अपने आप बंद होगी, घर के लड़ाई झगड़े अपने आप छूट जाएंगे। यतन करो भगवान की वाणी का अंतर में स्थाप करने का, जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यत्व, भगवान की वाणी को हृदय रूपी चैत्यालय में विराजमान करने का यतन करो, अपने आप ही राग आदि मिथ्यात आदि भावों का अपने आप ही खंडन हो जाएगा। देखो उन्होंने कहा था ना, जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्य क्या होगा, इससे
मिथ्यात देवम गुरु धर्म दूरम, अपने आप ही मिथ्या देव गुरु धर्म अपने आप छूट जाओ इनसे। तीन प्रकार के शल्यों को हटा के आत्म तत्व का स्थाप करो, शुद्धात्म तत्व का स्थाप करो, आस्था सम्यक्त करो, दृढ़ करो, तो अपने आप ही विकार भाव का अभाव होगा, नहीं तो मर जाओगे जीवात्मा। भैया अब जिसको जैसी होना, और यदि किसी को हमारी बात है, क्योंकि हमारे शब्द थोड़े से अमर्यादित भी रहते हैं, यदि किसी को हमारी बातें सीधी सीधी घात कर गई हो, हृदय को छुप गई हो, तो उस आत्मा को दुख हुआ, इसके लिए तो क्षमा। लेकिन भिड़ गई हो तो भेद ज्ञान कर लेना, तुम्हारे कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो अनंत संसार में अनंत जीव भटक रहे हैं, मेरा जीव भी भटकता रहेगा, कितना ही है। तो भैया ऐसी भगवान की वाणी सबको स्वीकार हो, सब इस मोक्ष मार्ग में निर्गंध होकर आगे बढ़े इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर शांत तारण करम लाचार्य।